हाँ जी हाँ लक्ष्मी और गणेश प्रसाद है, लक्ष्मी और गणेश प्रसाद में जो खाया जाता है, लक्ष्मी और गणेश और करे गणेश 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 लक्ष्मी और गणेश हाँ साथ में क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि गणेश लक्ष्मी का बच्चा है, साथ में पूजा भी होती है, उसे उसे गोद लिया हुआ है, गोद लिया हुआ बच्चा है, इसलिए उसको माना हुआ बच्चा है। हाँ लक्ष्मी को भी ये इच्छा हुई तो विष्णु से कहा कि मैं भी ऐसी भाग्यशाली बनूं जो गणेश जैसा बच्चा मेरे को मिले, तो गणेश उनके भी बच्चे बन गए। वास्तव में लक्ष्मी और पार्वती कोई अलग अलग तो होते नहीं है, विष्णु कोई अलग होता है देवता क्या? नहीं, ये तो चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का। और हाँ जी ब्रह्मा सूक्ष्म में है, साकार का ब्रह्मा साकार होना चाहिए, ब्रह्म ऋषि के ब्रह्म साकार में हो, बड़ा ब्रह्मा भी साकार में होना चाहिए। नहीं ब्रह्मा कोई एक होता है, मुरली में तो बोला ब्रह्मा अनेकों के नाम है, माने अनेक आत्माएं ब्रह्मा का रूप धारण करने वाली है, एक ब्रह्मा नहीं है, नंबर वार ब्रह्मा है। जैसे विष्णु के हाथ नंबर वार है, कोई ऊपर के हाथ हैं, कोई नीचे के हाथ हैं, तो नंबर वार हुए ना, कोई दाएं हाथ हैं, तो कोई बाएं हाथ है, तो नंबर वार हो गए। तो ब्रह्मा नंबर वार है, एक नहीं है, और नंबर वार ही उनके पद हैं। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं, बड़े से बड़ा विष्णु है। संगम युग में, संगम युग में लक्ष्मी और नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये है बड़ा पुरुषार्थ। जो डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते हैं, जन्म लेने के बाद बनते हैं, वो बड़ा पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनके निमित्त उनको जन्म देने वाले बन गए, इसलिए छोटे हो गए, रचना हो गई, उनमें भी छोटे बड़े हैं, एक कृष्ण और एक राधा, तो चार ब्रह्मा हैं, और पांचवा है उन चारों भुजाओं को चलाने वाला, क्योंकि भुजाएं अपने आप नहीं चलती है, भुजाओं को चलाने वाली आत्मा भी चाहिए, तो वो है पांचवी राम वाली आत्मा। और कुछ कहने जा रहे थे, कहते हैं सूक्ष्म में ब्रह्मा है, हैं? जब वो कहते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म में है, हाँ? तो इसकी बजाय ये भी कह सकते हैं ना, सूक्ष्म ब्रह्मा विराट आदि जगत में साकार में भी होता है, विराट आदि साकार होती है, विराट आदि में ब्रह्मा आता है ना साकार, साकार तो साकार रहता है कि उसे सब भूल जाता है, वो आत्मा गुम हो जाती है, वो आत्मा व्यक्त में रहती है या अव्यक्त हो जाती है, गुलजार की अव्यक्त हो जाती है ना, तो कहाँ साकारतन हुआ? सूक्ष्म तन जो है वो सूक्ष्म आत्मा है, वो सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है, स्थूल शरीर नहीं है, फिर वही बात, स्थूल शरीर तो तब कहे जबकि गुलजार दादी व्यक्त में हो, अभी ये चोला ये चोला ये चोला व्यक्त में है, आत्मा भी व्यक्त में है, देखने में आ रही है, आत्मा जब निकल जाए तो आंखें बटन जैसी हो जाती, आत्मा नहीं देखने में आती, आत्मा शरीर में देखने में आए, हलन चलन करे, बोलने और चलने में आए, तब कहा जाता है व्यक्त। तो गुलजार दादी तो अव्यक्त हो गई, साकार कहां रही? ब्रह्मा का तन साकार है नहीं, वो पहले ही खत्म हो गया, तो सूक्ष्म शरीर रह गया, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ऐसे प्रवेश करती है,
तो ब्रह्मा को जो सूक्ष्म वतनवासी दादा लेखराज हुआ उसको साकारी नहीं कहेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी कहेंगे और प्रजापिता साकारी। और हाँ जी काशी जी में, गंगा जी में एक मंदिर है, गंगा जी में एक करवट लगाया, गंगा जी में सुनने में आता है कि काशी करवट है, काशी करवट लगाया तो मंदिर करवट, काशी करवट खाते हैं उस मंदिर में, हाँ करवत कहा जाता है तलवार को, पटारी को, खांडा को। हाँ तो क्या पूछना माने बिना सांझे पूछे बिना पूरा समझे अंधेरे कुएं में कोई कूद जाए तो अंधश्रद्धा पूर्वक अर्पण होना हो गया, उसको कहा जाता है काशी करवट खाना। अभी भी ऐसे चल रहा है, अर्पण तो हो जाते हैं लेकिन अर्पण होने वाले क्या पूरा परमात्मा बाप को पहचान पाते हैं? अगर पूरा पहचान जाए तो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने, लेकिन बीच बीच में माया उनको अनिश्चय बुद्धि बनाती रहती है। इसका मतलब है कि अंधेरे कुएं में कूद गए, जैसे काशी करवट खा लेते हैं। तो ये भी बड़ी बात है, ऐसी काशी करवट खाने वालों के पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, फिर नए सारे जन्म तो लेना पड़े क्योंकि अनिश्चय बुद्धि हुए। तो एक तरफ अनिश्चय बुद्धि होते हैं, दूसरी तरफ कहीं न कहीं निश्चय बैठ जाता है, तो पैदा हो गए, पैदा हुए फिर बड़ी तेजी से पाप कर्म करने लग पड़ते, ये चक्र चलता रहता है। और वाले बात नहीं जानते हैं, बेसिक वाले हैं नहीं जानते, सब शुक्र हो गए। सवा 2 लाख विजय माला होगी कहीं, उसमें दूसरे दूसरे धर्म के नहीं है, 2 लाख की होगी। हाँ तो सब बेसिक वालों को क्यों ले लिया, उसमें 10% ही तो ऐसे हैं जो विजय माला को फॉलो करेंगे, बाकी तो कुमारका दादी को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, गुलजार दादी को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, जगदीश को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले होंगे या नहीं भाई, तो वो थोड़े ही हुए, वो चंद्रवंशी थोड़े ही कहे जाएंगे, जो 100% ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, किसी दूसरे देहधारी को फॉलो करने वाले नहीं। वो है चंद्रवंशी। और एक समय में ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, वो कब ये पार्ट जब स्वीकार कर ले, मैं कृष्ण की आत्मा देहधारी हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं देहधारी जीते जी देह के रहते रहते आत्मा अभिमानी नहीं बन पाती हूँ 100%, ये स्वीकार कर ले। लेकिन वो तो स्वीकार ही नहीं करती, वो तो कहती मैं ही हूँ गीता का भगवान साकार में, मेरे अलावा साकार में गीता का भगवान इस सृष्टि पर कोई नहीं हो सकता। तो ये मूल भूल है, ये भूल खत्म हो जाए तो सर्वव्यापी वाली बात भी उड़ जाएगी, फिर एक व्यापी वाली बात रह जाती है कि वो निराकार जिस मुकर्रर रथ द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो एक ही सारी सृष्टि का बीज है, निराकार है,
निराकार बाप को कहा जाता है, बाकी सब आत्माएं कुछ न कुछ साकारी स्टेज वाली है। 100% निराकारी स्टेज कोई भी धारण नहीं करता एक शंकर के अलावा, इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी 33 करोड़ देवताओं या 500 करोड़ मनुष्यों में से, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, कितने ही निराकार को मानने वाले क्यों न हो, लेकिन वो निराकारी स्टेज को 100% धारण नहीं कर पाते। ब्रह्मा के लिए होता है कि इसी ब्रह्मा के लिए बात लागू होती है कि एक से सब पति बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। एक का मोह लगा हुआ है बच्चे में, तो वो कौन सा है आत्मा जिसका एक बच्चे में मोह लगा हुआ है? बाबा ने कहा बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, तो बाप पहले वापस जावेगा या बच्चा पहले वापस जावेगा? है बाप जावेगा, लेकिन जाता क्यों नहीं है? है बच्चे में मोह लगा हुआ है। बच्चा बाप के लिए प्राण होता है, बाप का दिल होता है, लगते जिगर होता है। तो जैसे दुनिया में बाप और बच्चा अपन को एक खून मानते हैं, ऐसे ये संकल्पों का खून है। शिव बाप के लिए भी संकल्पों का खून एक आत्मा के साथ पूरा पूरा मिलता है। इस सृष्टि पर 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में एक ही ऐसी आत्मा है जो बाप के एक एक वाक्य को साक्षात धारण कर लेती है, बाकी सब दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। एक बात मानेगी दूसरी बात नहीं मानेगी। जितना बड़ा विधर्मी होगा उतना ही बाप की एक बात को मानेगा दूसरी बात को नहीं मानेगा। पक्का सूर्यवंशी होगा तो बाप की हर बात उसे अच्छी लगेगी, मानेगा मानेगा ही नहीं, जी जान से न्योछावर होने वाला बनेगा। जो बोला मुरली तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर, और आठ की माला आ गई है बाप की माला, आठ की माला। हाँ लक्ष्मी तो नहीं है, लक्ष्मी कहाँ है उसमें? हाँ नारायण है, नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी कैसे रहेगी? वो चंद्रवंश से आती है। ओरिजिनल सूर्यवंशी में और बने बनाए सूर्यवंशी में अंदर होगा कि नहीं होगा? एक है डुप्लीकेट बनाया हुआ सूर्यवंशी और एक है ओरिजिनल सूर्यवंशी, अंतर नहीं होगा? अगर अंतर न हो तो नारायण की कथा क्यों गाई जाती है? एक सत्यनारायण की कथा है, लक्ष्मी की कथा नहीं है। क्यों? वो दोनों एक है, एक ही स्वभाव संस्कार के हैं। लक्ष्मी के आने के बाद ही नारायण पद मिलता है, वो बात अलग। वो बात इसलिए अलग है कि राजाएं जितने होते हैं वो सब विकारी बनते हैं। पुरुष होते हैं राजाएं और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति तभी त्याग सकते हैं जबकि वो पक्के प्रवृत्ति मार्ग के बने। माता को गुरु बनाए, जिस माता की 63 जन्म अवहेलना हुई है उसी माता को शिव की शक्ति अपनी अम्मा समझ के रहे। जो भी शक्तियां हैं, जो भी कन्याएं माताएं हैं, उनके प्रति दृष्टि क्या बन जाए? ये मेरी माताएं हैं। लक्ष्मी पहले आती है, नारायण पद मिल जाता है। ये लक्ष्मी नारायण
सीताराम राधा कृष्ण ये उनकी बात है, जो आत्माएं युगलमण के बनती हैं, उसकी बात नहीं है जो एक है। युगल नहीं बनता है कभी, गॉड इज वन या गॉड इज टू, उसका साकार पार्ट भी होगा, उस साकार में ही गॉड इज वन होता है। इसलिए शास्त्र में दिखाया जाता है कि शंकर कभी अकेला भी होता है और कभी साकार में पार्वती के साथ भी या सती के साथ भी होता है, हमेशा युगल नहीं होता है। तो जब एक है तब ही शिव उसमें प्रवेश है, मुकर्ररत है। वो ऐसे को ही चुनता है जो एक लव्य है, एक आत्मा को लव करने वाला है। कोई साबित नहीं कर सकता कि एक के होते वो दूसरे को प्यार करता है, दूसरे के पीछे लगता है। शास्त्रों में तो लिख दिया अगड़म बगड़म, शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ होता तो उसका नाम शिव के साथ कैसे जोड़ा जाता। ये कहो पार्वती शंकर के पीछे फिदा हुई। और बाबा प्रजापतियों की सभा में, प्रजापतियों की सभा में, प्रजापति अनेक होते हैं क्या? प्रजापति अनेक, प्रजापतियों क्यों कहते? प्रजापति तो एक ही होता है। तो प्रजापति सभा लगेगा, हाँ जब होता वहाँ ब्रह्मा और शंकर दोनों मूर्ति रहेंगे, है ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों मूर्ति रहेंगे, हाँ सब देवता लोग है, हाँ तो दस राजा आएगा तो सब लोगों के खड़ा होगा, शंकर जी और ब्रह्मा जी का गाना खड़ा देना, शंकर जी और ब्रह्मा जी का गाना खड़ा देना, आए नमस्कार करें उनको। हाँ ब्रह्मा तो उनका बाप है ना, अम्मा कौन है? वो अम्मा नहीं है वास्तव में, वो नाम रख दिया ब्रह्मा, लेकिन है कौन? वो तो बाप है। और शंकर, शंकर तो प्रजापति है, सारी प्रजा का पति, ब्रह्मा का भी पति है। ये वो क्यों खड़े होंगे? दक्ष नहीं है, दक्ष तो ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुआ। दक्ष इसलिए कि अकल नहीं है उनको, नाराज कौन होते हैं जिनमें राज नहीं हो जाना होता है, वो नाराज होते हैं। और तमो प्रधान बन गया तो नाराज होता है। स्थापना पहले होती है और विनाश बाद में होता है। राजाई तुमको पहले मिलती है, बाद में जो रावण राज्य है उसका विनाश होता है। नहीं तो विनाश कौन करेगा? एक राजा दूसरे राजा के ऊपर राज्य पर आक्रमण करता है, तब पहले वाले राजा को राजाई मिलती है। तो यहां भी हमारा युद्ध चल रहा है मायावी राज्य के साथ। जो ईश्वरीय राजा है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ राजा है, वो पहले जीत पाए। किसके ऊपर जीत पाए? रावण के ऊपर जीत पाए। रावण कोई बाहर नहीं है, कहाँ है? रावण तो पहले अंदर ही घुसा हुआ है, उस पर जीत पाए।
तब राजा मिले। इसलिए कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और संगम पर ही होगा ना, संगम कहा ही तब जाता है जब रावण और राम दोनों मौजूद हों। अब ये बच्चों के ऊपर है वो किसकी तरफदारी लेते हैं और कौन कौन बच्चे किस समय राम की तरफदारी लेते हैं या रावण की तरफदारी लेते हैं, राम के वशीभूत होते हैं या रावण के वशीभूत होते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं। इसलिए संगम है, कभी राम की पाला में ज्यादा हो जाते कभी रावण की पाला में ज्यादा हो जाते। रस्सा कसी है, ये ज्ञान और अज्ञान की रस्सी है। रावण की पाला में रस्सी ज्यादा चली जाती तो भक्ति की जीत हो जाती, राम की पाला में रस्सी और रस्सा कसी करने वाले ज्यादा आ जाते हैं तो राम की जीत हो जाती। ये हार और जीत का खेल चलता रहता है। बाबा विद्वानों से बात होती है, जो विद्वान है इस समय बाहर से, तो सीधा जा आप कौन है तो अपने परिचय कहते हैं हम ईश्वर का अंश है, ये कहां से अंश पर बड़ा जोर देते। वो ईश्वर के अंश नहीं है, वो वास्तव में जो देह अभिमानियों का बाप है। कौन? अरे आत्मा का नाम बताओ। रावण में तो 10 आत्माएं घुसेर दी, उस आत्मा का नाम बताओ जो देह अभिमानियों का बाप है। हाँ, तो जो देह अभिमानियों का बाप है उसके बच्चे हैं। ये जितने भी साधु संत महात्माएं हैं, रावण किसकी पूजा करता है, व्यभिचारी पूजा करता या अव्यभिचारी है? अरे व्यभिचारी पूजा करता है, शिव की भी करता है दिखावे के लिए, और अंदर से पूरा समर्पित भाव है अम्मा के लिए कि बाप के लिए। उस अम्मा का नाम क्या है? शास्त्रों में उस अम्मा का नाम भी दिया हुआ है जिसके ऊपर रावण संप्रदाय मर मिटता है, दिति। भूल गए क्या? दिति, दिति से बनता है द्वैत। और जल को धारण करने वाला निधि कौन है? राम बाप। वो ज्ञान को धारण करने वाला निधि है, खजाना है। जो ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं, सुनने सुनाने के लिए तो देखने में आता है धारण कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा होती है पुरुषों को? होती है, परसेंटेज में माने 100% होती है, परसेंट 100% नहीं होती। तो सिर्फ कहा जाता है ज्ञान सागर, लेकिन वो ज्ञान सागर है नहीं। रामायण में जिसका नाम राम दिया हुआ है
और भागवत में जिसका नाम कृष्ण दिया हुआ है, गीता में जिसका नाम कृष्ण दिया हुआ है, वो वास्तव में भगवान की बातें हैं, न कि देहधारी की बातें हैं, हैं? भगवान की बातें हैं। तो यहाँ भी जो जलद निधि है वो प्रजापिता है, वो नहीं मानता है, तब भगवान क्या करते हैं? आखिरी बाण छोड़ते हैं, बस टेढ़ी उंगली किए बगैर घी नहीं निकलता है। इसी बात को दूसरे रूपों में भी दिखाया गया। कहते हैं रावण के सर कटते जाते थे, निकलते जाते थे, रावण मरता ही नहीं था, तो क्या किया? नाभि कुंड में बाण मारा और रावण धराशायी हो गया। एक ही बात को शास्त्रों में अनेक रूपों से दिखाया गया है। और शास्त्रकरण की क्रिया धर्म किताओं में घटी हुई है, ये धर्म किताएं भी मानेंगे इस ज्ञान को, तभी तो उनके फॉलोअर्स निकल गए, नहीं तो 500 करोड़ का बाप कैसे साबित होगा? अगर वो धर्म पिताएं नहीं मानेंगे, वो तो ग्रेट फादर्स हैं, उन बापों का बाप भी कोई है कि नहीं दुनिया में? वो ये ग्रैंड फादर, उसको वो अल्लाह मियां कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो सारी दुनिया गॉड फादर को मानती है। मानती है तो प्रैक्टिकल में कभी माना होगा या नहीं माना होगा? तो वो यही समय चल रहा है जबकि धर्म पिताएं भी अंत में आकर के माथा झुकावेंगे, पूरे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन महानता को स्वीकार कर लेंगे, कि जो काम हम नहीं कर सके वो काम हमारे बाप ने आकर के करके दिखाया। हम तो ऐसे ही 2500 साल इस दुनिया में आके नाक रगड़ते रहे, नई दुनिया नहीं बनी, पैराडाइज नहीं बना, जन्नत नहीं बनी, और हमारे बाप ने आकर के वो काम कर दिया। वो धर्म पिताएं स्वीकार करेंगे कि हमने पुराने पुराने धर्म जो चले आए तमो प्रधान होते गए, उनकी पुरानी परंपराओं को हम नहीं नष्ट कर सके, हमने आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन किया, तो पुरानापन भी चलता रहा और नया धर्म स्थापन हो गया, दो दो धर्म हो गए, नया धर्म पिता आया 3 धर्म हो गए, और नया आया तो 4 धर्म हो गए, द्वैतवाद बढ़ता गया। वो उस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने दुनिया को खंडन किया है, भंजन किया है, भगवान ने आकर के दुनिया एक बनाई है। बेहद में राम राज्य कब तक दिखने चाहिए है? बेहद में राम राज्य हाँ कब तक देख पाएंगे? तब तक देख पाएंगे जब तक ब्रह्मा की 50 साल पूरे नहीं हो जाते, वो तो 69 में ही शरीर छोड़ गए। अरे ब्रह्मा को 50 साल पूरे करने चाहिए कि नहीं? संगम में एक हिस्सा है कलयुग का बड़ा हिस्सा और एक हिस्सा है सतयुग का, तो संगम में जो कलयुग का हिस्सा है
वहां तक ब्रह्मा वाली आत्मा को जिंदा रहना चाहिए कि नहीं, शरीर से वो नहीं रहा, 50 साल कम हो गए 5000 वर्ष के शक्ति चक्र में से। वो 50 साल कम हो जाने के कारण जो पुरुषार्थ उसे अपने शरीर से करना चाहिए था नर से नारायण बनने का, वो नहीं कर सका। वो 50 साल जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ब्रह्मा और कृष्ण की सोल में वो असली ज्ञान धारण नहीं हो सकता जो ब्रह्मा सो विष्णु बना देवे। इसलिए काल का भी महत्व है। है 20 के आसपास क्यों 68 के बाद तो शरीर छोड़ा है, तो 2018 नहीं गिनेंगे? और हाँ भारतीय परंपरा में जगत पिता कौन माना जाता है? है? भारतीय परंपरा में जगत पिता का नाम क्या है? है? शंकर। जो सारे जगत का पिता है, जिसके लिए मुरली में बोला है नई दुनिया मेरी है, तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माने वो पुरानी दुनिया का भी बाप है, बड़े से बड़े पापात्माओं का भी बाप है और बड़े से बड़े पुण्यात्माओं का भी बाप है। तो एक उसकी यादगार में, उसके अंतिम समय की यादगार में एक तिथि मनाई जाती है, जो तिथि जितने भी संबत हैं मनुष्यों के उन सभी संबतों में वो एक ही दिन लागू होता है। वो कौन सा दिन है जो एक ही तारीख पड़ती है? मकर संक्रांति। सदैव एक ही तारीख को पड़ेगी। सब धर्मों का बाप है। मक्कारी का जब अंत होता है तब मकर संक्रांति होती है। वो मक्कारों का भी बाप है। वो मक्कार बनता ही इसीलिए है कि और कोई मक्कारों का अंत नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? मक्कारों का बाप ही मकर संक्रांति से मक्कारी का अंत करने वाला है। इसलिए अभी हिंदुस्तान में सब जान गए हैं कि भ्रष्टाचार का अंत कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है जब भ्रष्टाचारी का अंत होने लगेगा। कौन सा? भारत में अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो ये भ्रष्टाचारी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? सुधर जाएंगे। तो रूहानी ब्राह्मणों की दुनिया का मार्शल कौन है? शंकर। प्रभुता पाहिकाय मदनाही। दक्ष प्रजापति की कथा तो अभी सुनी। प्रभुता जब बुद्धि में आती है तो मक्कारी की अति हो जाती है, फिर सब मक्कारों को झुकने पड़ता है। वास्तव में
मार्शल्ला कोई राज्य नहीं है, इससे कोई अच्छी राजाई नहीं चलती है। अच्छी राजाई तो राजा का राज्य है। और पिता ब्रह्मा की आज्ञा यदि किसी के द्वारा शंकर पाठ भी बचता है। शंकर तब कहा जाता है जब उसमें संकरण होता है तीन आत्माओं का, और प्रजापिता तब कहा जाता है जब वो महातामसी आत्मा पार्ट बजाने वाली है। संकरण के आधार पर संकर कहा गया। हाँ जी, वही आत्मा तो नारायण बन जाती है। जब नारायण बन जाती है तब सतो प्रधान है, प्रजापिता नहीं है। वो नारायण 500 करोड़ की पालना करने वाला नहीं कहा जा सकता, वो श्रेष्ठ आत्माओं की पालना करने वाला विष्णु कहा जाएगा। हाँ जी, और उसके बाद भी इसका मतलब कि मूर्ति का पाठ चलेगा। बाद में क्यों चलेगा? वो संगम के पहले ही नारायण क्लियर रहता है। संगम के पहले कहाँ क्लियर रहता है? 36 से पहले कहाँ क्लियर था? संगम तो सन 36 से शुरू होता है। सन 36 से भी नारायण का पद क्लियर कहाँ रहता है? लास्ट माने 76 कहो, 76 में 10 वर्ष पहले जब बाबा ने मुरली में बोला कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है या राधा कृष्ण का जन्म होता है, क्या कहेंगे उनको? हैं? उनको लक्ष्मी नारायण कहेंगे या राधा कृष्ण कहेंगे? हैं? लक्ष्मी नारायण से पहले क्या है? राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है, बच्चे की तो पढ़ाई चलती है, पढ़ाई जब पूरी होती है तो नारायण बनता है। तो ये पढ़ाई का टाइम चलता है सन 36 से लेकर के 40-50 वर्ष की पढ़ाई है। मुरली में बोला है सन 76 से 40 वर्ष जोड़े तो कितना साल आता है? है? अरे गणित बिल्कुल जानते ही नहीं क्या? 76 से 40 वर्ष जोड़ दें तो कितना सन आएगा? हाँ? अरे 2076 से, वास्तव में 76 से भी नहीं, संपूर्णता वर्ष मनाया गया सन 77, तो सन 77 से जोड़ो, 77 में 40 वर्ष और ऐड कर दो तो 2017-18 आता है, वो संपूर्णता वर्ष हो गया। नारायण पद मिल गया, फिर प्रजापिता क्यों कहा जाएगा? नारायण कहा जाएगा, रहेगी कि मारी जाएगी? बाप अपने बच्चों को ही मारता है। प्रजापिता है तो कामी क्रोधी लोभी मोही होगा कि निर्विकारी होगा? प्रजापिता तामसी को कहा जाता है या सात्विक को कहा जाता है? सात्विक को नारायण कहा जाता है, प्रजापिता तो तामसी को कहा जाता है। तामसी तो महामोही है, जो मोही होगा वो अपने बच्चों को खराब देखते हुए भी मारेगा। ऐसा भी बच्चा है तो भी बच्चा बाप को मारता है, बाप बच्चे को नहीं मारता, मोह आ जाता है मेरा बच्चा। नारायण अठारह तक। हाँ जी, इसके बाद जो बाद वाले 18 के बाद, हाँ, क्या प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ दूसरे का चलेगा? दूसरे का कहाँ चलेगा, आत्माएं तो उतनी रहेंगी जितनी होती हैं। जो देव आत्माएं हैं वो सृष्टि के पिता को पिता नहीं मानेंगी,
अरे देवताओं का बाप नहीं है, क्षत्रियों का बाप नहीं है, वैश्यों का बाप नहीं है, शूद्रों का बाप नहीं है, वो तो सारी सृष्टि का बाप है। और बाप तो एक ही होता है, बदलता नहीं है, बदलता है विधर्मियों में, दोगलों में बदलता है बाप, किसमें बदलता है? जो दोगले होते हैं उनका बाप बदलता है, होता तो एक है, भले एक ही बाप होता है, बाप तो एक ही है सारी सृष्टि का। नहीं नहीं सकता दोगले हो, अपने कहलाते हैं दोगले, नई बात मानते हैं तो दोगले हो गए, आखिरी तो बात माननी ही पड़ेगी। जब सारी सृष्टि का विनाश होगा तो आखिर बाप को बाप मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सबको मानना पड़ेगा, सच्चाई तो हमेशा सच्चाई रहेगी, सच्चाई नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, आखिरी सर पर चढ़ के बोलेंगे। ब्रह्मा कुमार एडवांस ज्ञान को नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते, आखिर एडवांस पार्टी सर पे जाके बैठ गई माउंट आबू में, दिलवाड़ा मंदिर सारे को घेर लिया। तो सच्चाई जो है वो हमेशा ऊपर ही रहती है, थोड़े समय के लिए गुप्त हो सकते हैं। और नारायण में तो प्रतिष्ठा होती है, नारायण में तो शिव की प्रतिष्ठा होती है, शिव की प्रवेशता नहीं होती है ना? सत्य किसे कहा जाता है? शिव के सत्य है, सत्यनारायण नहीं है, सारे भूत तो आ गए बाप समान। और क्या कहा गया कि बाप समान बन गया तो प्रवेश होने की क्या दरकार है? अपने घर में बैठे दरकार है नहीं। अरे बाप ने बच्चे को लायक बना दिया, दुकान पर बैठेगा या आराम करेगा घर में? अरे वानप्रस्थ होकर के वाणी से परे धाम में जाके बैठेगा या दुकान में बैठेगा? क्या करेगा? बाप का काम जो है स्वर्ग स्थापन करना है, वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, कभी भी शरीर में धारण होकर के नहीं रहता। जब देहधारी है ही नहीं एक सेकंड के लिए, तो वो तो स्वर्ग स्थापन उसका करना काम है। एक युगल में एक परिवार की इकाई में स्व स्थिति को धारण करा दिया, फिर उसका काम कहाँ रह गया? नई दुनिया बन गई कि नहीं बन गई? नई दुनिया छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी है। शिव का काम समाप्त, बच्चे का काम शुरू। अरे त्रिमूर्ति वो तो मूर्ति है, मूर्ति तो मूर्ति ही कही जाएगी। मूर्ति में जो शंकर बच्चा है वो बाप समान बन गया। जब समान बन गया है कि दो दो की जरूरत क्या है? एक ही काफी है। और बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सेवा में मदद देते हैं, इसमें बाप कौन? अभी तक यही नहीं जाना कि बाप दादा कौन। सारी कथा कहानी खत्म हो गई, बुद्धि में ये बात बैठी नहीं कि जन्म जन्मांतर कंबाइंड होकर पार्ट बजाने वाले वो बाप दादा कौन? तुम उनको अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। घड़ी घड़ी बच्चे बाप में दादा में फेर करते हैं और घड़ी घड़ी वो मिलके एक हो जाते हैं। रोज यही धंधा चलता है, बच्चे मायावी हैं, रावण संप्रदाय में आते जाते हैं, बाप को दादा से दादा को बाप से अलग करने का धंधा है बच्चों का। वो अलग करते हैं बाप, फिर बच्चे को समझाए बुझाए के दादा को अपनी तरफ कर लेते हैं, बाप दादा फिर एक हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आया दादा कौन है और बाप कौन है? अरे सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500 करोड़ बच्चे रूपी जो
भाई भाई हैं, उनमें दादा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और बाप कौन है? प्रजापिता। राम वाली आत्मा। शिव को बाप है तो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा हो गई। शिव को बाप माना जाए हाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा हो गई। वो सदैव कंबाइंड होकर रहते हैं। अरे वो सदैव कंबाइंड होकर रहते हैं। याद में है कंबाइंड माने जाते हैं क्या? अगर निरंतर याद में है। अगर 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 मगर तो नहीं कहा कि अगर मगर होंगे तो दादा बाप दादा होंगे, अगर मगर नहीं होंगे तो बाप दादा नहीं होंगे। ये तो मुरली में बोला ही नहीं गया, ये हमेशा बोला गया मुरली में कि बाप दादा सदैव। बच्चे समझे या न समझे लेकिन बाप दादा सदैव कंबाइंड है। बच्चे नहीं समझते हैं ये उनकी बेवकूफी। तो जो सदैव कंबाइंड हैं, जिनको कोई अलग कर ही नहीं सकता, बच्चे करते हैं अलग। रावण संप्रदाय के बन जाते हैं तो अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं तो अम्मा को बरगलाई लेते हैं, अम्मा बाप में लड़ाई करवाई देते हैं। ऐसे यहां भी बाप दादा कंबाइंड हैं। ये सच रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। ये गाड़ी इनके बगैर चल ही नहीं सकती। ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं। और पिता है? कौन पिता है? कौन है पिता? है क्यों कहते हो? वो अपना शरीर छोड़कर बच्चों में प्रवेश के लिए शिव में प्रवेश। तुम क्या समझते हो कि बच्चों में शिव प्रवेश होता है? वो सर्वव्यापी है। अभी तक यही समझा चला आ रहा है, यही सर्वव्यापी की सूचना करने वाला साबित होता है। अरे बच्चों में शिव प्रवेश होता है कि उसका मुकर्रर रथ है, फिर क्यों कहते हो एक व्यापी? अरे वो सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? वो तो एक व्यापी है। एक को संपन्न बनाता है, आप समान बनाता है, और वो एक आप समान बन के फिर सब में प्रवेश करता है। 12 रथ हैं जिनमें स्पेशल प्रवेशता होती है, इसलिए क्या गाया हुआ है? बार है जो त्रिलिंगम गाए हुए हैं, बाकी में नंबर बार प्रवेश होता है। और चल अपना पोता मेल खोल दिया। क्या मतलब? अब मतलब कहाँ से आ गया? सुप्रीम है अपना जो मुगर जुड़ा था क्या होता है? कहाँ बच्चों के बाप दादा दोनों चले गए? कहाँ चले गए बाप दादा? दोनों बच्चों की मदद करने के लिए चले गए? अरे बाप दादा जब कहा जाता है तो दोनों मिलके आपस में सामंजस्य कर लेते हैं। जैसे कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो लड़ाई लड़ने के बाद जब कोर्ट में सुलहनामा करते हैं, क्या कहते हैं उसको? राजीनामा। तो राजीनामा जब कर लेते हैं तो कहते हैं अभी तुम काम करना, कभी हम काम करेंगे। उसमें तुम काम करना, इसमें हम काम करेंगे। तो मिलजुल के काम करते हैं। उनका राजीनामा है, तुम क्या करोगे? और मामा ईश्वर अंश है? ईश्वर अंश है? जीव या विनाशी? ईश्वर अंत जीव या विनाशी? जीव अविनाशी। चेतन यमन हाँ तो साधन धाम मुस्कर द्वारा। अरे एक बात तो पूरी कर लो कि रटा रटा या सुनाते चले जाओगे। हाँ क्या मतलब? भट्टी कब करी?
2007 में और तब से लेकर अभी तक रामायण ही रट रहे हैं, क्लास भी नहीं करते हैं। तुम्हारे मोहल्ले की गीता पाठशाला कौन सी है? अरे हाथ तो उठाओ, तुम्हारी गीता पाठशाला है तो तुम्हें ये आ गए हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? ये क्लास भी नहीं करते रोज बताते हैं, तब बिजी बताते हैं, बताते हैं। हाँ हाँ, तो बाबा की क्लास में तुम्हें क्यों आने देते? तुम्हें मालूम है जब ये रोज क्लास नहीं करते तो बाबा की वाणी तो सारी भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो क्लास में आके अटरम पटरम बोलते रहेंगे, अपने वो ही बत्ती मार की बातें बोलते रहेंगे। ये आने से पहले बता दिया करो, देखो हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जब तक जिंदा है बच्चा तब तक बाप का बच्चा, और भूल गया मर गया तो कितने साल हो गए इनको क्लास न करते हुए? साल भर से क्लास नहीं किया, और बाबा कहते हैं अगर 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो बच्चा मरा हुआ। यहाँ चिट्ठी तो क्या है, संगठन में जाते हैं महीने वाला में। कौन से संगठन में है? महीने वाले संगठन, वो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, वो भी रेगुलर नहीं। वही नहीं, और लोग भी ऐसे हैं कि नहीं जाते, महीने नहीं जा रहे हैं। तो तुम अपने संगठन को भंगार बनाओगे? भंगी माने भंगा, इसलिए कि वो संगठन में करते अन्य क्लास कर रहे हैं, घर में घड़ी कर लेता हूँ मैं, घड़ी तो तीनों लिख लूंगा। कुछ लोग ऐसे है कि मैं गीता पाठशाला में नदी खूब में जाना ही मत, जो कुछ दूरी है वहाँ आ जाना, यही लोग तो चला रहे हैं। पूरा मऊनाथ भंजन कर देंगे, नहीं नहीं क्या करें बाबा, सब छोड़ेंगे क्या? तुम्हें सहन शक्ति नहीं है, इतना सहन शक्ति करेगा? तुमसे मना किया किसी गीता पाठशाला में आने के लिए? मना किया? बोलो ना, नाम रख दिया राम वृक्ष। वृक्ष को समाय नहीं पाते अपने में, तुम्हें किसी ने आने से मना कर दिया गीता पाठशाला में? बोलो, माहौल तो बाबा ऐसा बनता जाता है, तुम सहन नहीं कर पाते माहौल को। अम्मा का घर में माहौल खराब होता है, अम्मा घर छोड़ के चली जाती है, बाप चला जाता है, वो सन्यासी कहा जाता है, वो सन्यासी बाप के दुश्मन है, दुश्मन हो तुम? बोलो। बाबा लौकिक परिवार में जिनका खान पान अशुद्ध है, शराब भी पीते हैं, उनको ये सब कुछ छोड़ना बहुत कठिन होता है, तो कैसे परिवार ज्ञान में सहयोगी बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये ब्राह्मण बनेंगे? अरे सब में प्रश्न करने की क्या दरकार, प्रश्न पैदा होता है बाबा के महावाक्य में, इसका मतलब ये है कि अनिश्चय है। बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आज नहीं चलता है शराब पीता है कल छोड़ देगा? पहले तो जो बाबा के बच्चे बने उनको बाबा के महावाक्यों पर पूरा निश्चय होना चाहिए, खुद ही निश्चय नहीं है तो परिवार के भांतियों को सुधरने से पीछे ढकेल रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं? पीछे ढकेल रहे, संकल्प से भी सहयोगी नहीं है। कम से कम अच्छा संकल्प तो कर सकते हैं, बाबा ने हमको शुभ संकल्प दे दिया, इतना बड़ा वरदान दे दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, दुनिया वालों का चले या न चले, लेकिन
तुम्हारा पूरा परिवार चलेगा, बेसिक वालों का चले या न चले। क्यों? बेसिक वाले ईश्वर के ज्ञान के ज्यादा नजदीक हैं, ईश्वरीय ज्ञान के, या दुनिया वालों से ज्यादा दूर हैं? दुनिया वालों के मुकाबले तो नजदीक है ना, लेकिन दुनिया वाले हमको अपना बना करके अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। एडवांस वालों को जो दुनिया वाले कहे जाते हैं, वो हम एडवांस परिवार के भातियों को अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में रखने के लिए तैयार हैं। और जो भगवान के बच्चे बने बैठे हैं, अपने को कहते हैं, वो हमें अपने दिल में तो क्या घर में भी नहीं देखना चाहते, अपनी आंखों से देखना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। वो ज्ञान में चलेंगे? उनका परिवार ज्ञान में चलेगा कि हमारा चलेगा? हमारा परिवार इस काबिल है, भले आज ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन वो कल ऐसे ज्ञान में चलेंगे कि सारी दुनिया देखेगी कि वो 9 लाख में आएंगे और वो 9 लाख में नहीं आएंगे। तो हमें संकल्पों से भी मदद हम नहीं दे सकते भगवान के महावाक्य के लिए, सिर्फ कहते हैं भगवान के वाक्य पत्थर की लकीर है। इस कागज को फाड़ के फेंक दो। वापस दे दो, कहां से आया। कहां से आया? अरे ये राम पक्ष है क्या? रावण पर और है क्या यजस्वी ने राजसू या यज्ञ किया? सबको कार्य बांट दिया गया था कि आप दूसरों की सेवा करना है, आप सबको पानी पिलाना है, आप खाना खाना। ला हमें भी पानी पिलाओ भाई। काम हाँ हाँ, जो झूठी थाली उठाए, जो झूठा किया हुआ अन्न उठाए, वो घर में परिवार में नौकर कहा जाता है कि नहीं है? ये झूठी पत्तल उठाना शूद्रों का काम है या ब्राह्मणों का काम है? है शूद्रों का काम है। सबसे नीचे ते नीचा काम भगवान ने ले लिया। इसका मतलब है संगम युग में बाप का जो महावाक्य है कि बाप आकर हम बच्चों का क्या बनता है, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ये बात अभी तक भी भक्ति मार्ग में चली आ रही है। और दान देने का ब्राह्मणों को दुर्बोधन को सौंपा गया है, दान जो खाना देने का दुर्बोधन को सौंपा गया था, दुर्बोधन को ब्राह्मणों को दान देना, और वो दान देता था किसी का खुश रहता था, सब तो अपने काम में खुशी थे, लेकिन वो ना खुश क्यों रहा था है, ना खुश क्यों रहा था दुर्बोधन, क्या करता था? दान देने के बाद भी खुश नहीं रहता। दान देने के बाद भी यही तो बताया। दान भी 4 प्रकार का होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सेवा भी 4 प्रकार की होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जो सेवा सेवा करने के बाद खुशी प्रदान करती है वो सतो प्रधान सेवा है। तो दुर्योधन जो दान देता था वो तमो प्रधान दान देता था, अहंकार में आकर के या निमित्त मात्र बन करके दान देता था, तमो प्रधान अहंकार में आकर के ज्ञान दान देता था, इसलिए उसको खुशी नहीं होती थी। हम बच्चों को भी इस बात से सीख लेना चाहिए कि हम जो भी देते हैं उस देने के बाद हमको
कापारी खुशी होती है या नहीं होती है? अगर नहीं हुई है तो हमने वो दान श्रीमत के अनुकूल नहीं किया है, मन मत पर किया है, मनुष्य मत पर किया है, रावण की मत पर किया है, मान मर्तबा लेने के लिए किया है, इसलिए खुशी नहीं हो रही है। जरूर गुप्त दान नहीं किया है, एक हाथ लेने वाला और दूसरा देने वाला, ऐसा दान नहीं किया है। टाइम टेबल नहीं है, किसमें पूरी चलेगी, किसमें क्लास होगा, किसमें याद किया जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा? ऐसे किताब पर सवाल याद होगा, जिसमें पूरी चलेगी वहाँ कैसे कुछ क्लास होगा, सब क्लास करता है, सब क्लास करता है, क्या होगा क्लास का टाइम टेबल होना चाहिए ना, पूरी चलती क्लास होगा, ऐसे भाई कुछ दिया जाएगा। टाइम टेबल फिक्स क्यों नहीं है गीता पाठशाला का? करेंगे तब तो टाइम टेबल क्यों नहीं है? यही बता सकते हैं ना कौन सी गीता पाठशाला में नियम नहीं है, उनको इनके होगी, यह बताओ कौन सी गीता पाठशाला में नियम नहीं। जो ज्यादा प्यारा होता है उसको छुपाया जाता है, इसलिए जो जो प्यारा उसको होगा उसको नाम नहीं बताएगा, छुपाएगा। बताओ बताओ बोलो है, आप बताए है, हम क्या बताए? जब शिव बाबा ही जानी जाना ना आर नहीं है तो मैं क्या जानी जाना रहा हूँ? बता सकते हैं ना कि कैसे है। मान लो कोई गरीब है गीता पाठशाला, 10 जिज्ञासु जा रहे हैं क्लास करने, गरीब गीता पाठशाला है और बिजली टाइम बेटाइम आती है, तो रुक जाओ, तो टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो तुम जैसे जिज्ञासुओं का हट्टे कट्टों का काम है कि कमाए और कमा करके उस गीता पाठशाला को इन्वर्टर और बैटरी खरीद के दे दे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दुनियादारी का कोई बोझ नहीं है, छड़े आदमी, तो गलती किसकी हुई बताओ? अरे ये किसकी गलती हुई बताओ ना, है? गलती तुम्हारी ही हुई। हाँ चलो ओम शांति।